हर किस्म का मौसम आता है यहाँ पे, जीन्स नहीं चलती विंटर में। इस मामले में तो बिल्कुल भी तुम अपनी बीवी को भरोसा ना करना, तो आप गवर्नमेंट को गालियाँ देने पड़ गई। डकी भाई आपको शादी मुबारक हो, अभी 3 महीने हुए इनको कनाडा आए हुए और रंग बदल दिए इन्होंने, और दिल पे लेके जो है वो मतलब आपको हार्ट अटैक ही होगा, हमें कुछ नहीं होगा। लेक ओंटारियो अभी तक जमी नहीं है, फ्रीज नहीं हुई है, कनाडा के अंदर स्नो की छोड़ती है और एक स्पोर्ट्स है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशरसना व्लॉग्स। तो आज आए हैं हम लोग आप लोगों को लेके बर्लिंगटन। तो किसी भी ट्रिप में जाने का जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है वो ये होता है कि हम खूबसूरती देखेंगे, मगर कुछ अगली पार्ट भी होता है और वो ये होता है कि पार्किंग ढूंढनी जरूरी होती है। बर्लिंगटन के ऑफ शोर के ऊपर, मतलब लेक शोर के ऊपर, ऑफ शोर के दिमाग से वो चीज नहीं निकलती, ऑन शोर ऑफ शोर, समझ रहे हो। एनीवे बात ये कि अब हम लोग जाएंगे, इवनिंग एंड वीकेंड्स पे फ्री पार्किंग होती है। वैसे अगर आप देखोगे मंडे टू फ्राइडे तो $1.75 पर आवर होती है। और ये कौन सी स्ट्रीट पे भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, बट इस पार्किंग का नाम है एलिजिबेथ लॉट पार्किंग, तो आप वो डाल के यहाँ पे आ सकते हो। तो अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले फटाफट से, आपको और भी कनाडा के ट्रैवल वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता दिखाते रहेंगे। ऑल्सो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, लाइक करते हैं ना अगर आप, तो फिर बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। प्लीज डू दैट। सारी पार्किंग एंड हमें काफी सारी लॉट्स में बिल्कुल फारिग मिली थी, तो हमने एक अच्छी सी पार्किंग यहाँ पे कर ली है। और ये देखिए मौसम आज का कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, आज सूरज है और बच्चों को लेके हम इसलिए निकले हैं जैकेट्स वगैरह पहन के। उसका रीजन ये है कि आज सूरज निकला हुआ है, बेइंतहा जबरदस्त मौसम है एंड हवा नहीं है। जिस दिन विंड नहीं होती उस दिन काफी अच्छा रहता है निकलना। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले यहाँ पे सूरज निकले ओंटारियो में, कोशिश करो बस निकल जाओ फैमिली को लेके, लोगों को, बच्चों को लेके, ताकि थोड़ी तफरी हो जाए। विंटर में भी ये चीजें आप कर सकते हो बर्लिंगटन के डाउनटाउन में, और यहाँ पे भी आपको हलाल शावरमा वगैरह ये चीजें मिल जाती हैं। देखो खुला हुआ है हमारा पेडेस्ट्रियन, तो गाड़ियां इंतजार करती हैं यहाँ पे, अच्छा माशरा है हमारा, एक दूसरे का इंतजार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखो पिज़्ज़ा लोलो, क्या गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी, देखो ये पेंट की है इन्होंने, बड़े शिचको वाली गाड़ी की हुई है। बर्लिंगटन दोस्त, बर्लिंगटन दोस्त, माय रोटी प्लेस, देखो क्या क्या है यहाँ, माय डोसा प्लेस, वाह भाई वाह, छा गए भाई, दौड़ दिस। एक अच्छी खबर यह है हाजरीन और नाजरीन कि लेक ओंटारियो अभी तक जमी नहीं है, फ्रीज नहीं हुई है कनाडा के अंदर। तो जो लोग आते हैं देखने के लिए फ्रीज होने से पहले पहले, मुझे नहीं पता कि ये फ्रीज होती है नहीं होती, हम लोग तो वैसे भी नए हैं, तो बताना कमेंट्स में कि ये फ्रीज होती है या फिर ऐसे ही रहती है। वाकई बड़ी प्यारी लग रही है यार, बड़े दिनों के बाद पानी देखा हमने, अच्छा लग रहा है, बहुत पानी, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। सूरज एक अलग ही एनर्जी आपको देता है, पानी को देखो तो एक रिलैक्सेशन मिलती है, सो फीलिंग गुड। सो सर्दियों में निकलने के लिए ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है, सो जैकेट्स वगैरह ले ली थी, मोटे पजामे पहनने जरूरी है। कितने लोग पाकिस्तान से अगर आ रहे होंगे शायद उनको ये नहीं पता होगा, यहाँ पे जीन्स नहीं चलती विंटर में, यहाँ पे सिर्फ मोटे वाले पजामे चलते हैं लाइक दिस वन, तो ये आपको जरूर पहन के निकलना है। बिकॉज हम भी जब नए नए आए थे तो जीन्स पहन के निकल रहे थे, इंतहा सर्दी लगती है, अनलेस के आप अंदर कोई थर्मल टाइट्स पहन लो, बट नहीं पहनना है तो ये पजामे जरूर पहनें। यहाँ पे देखो अपार्टमेंट्स बने हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं और इनका कितना जबरदस्त इनका व्यू होता होगा। ये जो पीछे अपार्टमेंट है शायद आपके, तो बिल्कुल हमें वही वाला लुक दे रहे हैं जैसे हम वहाँ पे जाके देखते थे मैनली वगैरह के। खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं, आई थिंक इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। अ
अच्छी सी एक छोटी सी एक ट्रेल बनी हुई है यहाँ पे, चलते चलते आप उस तरफ पहुँचो और फिर वहाँ पे हम जाके देखते हैं कितनी हवा है। वैसे हवा आज लग नहीं रही है, धूप बहुत जबरदस्त निकली हुई है, धूप में हाथ सेक रहे हैं हम। देखो कैसे दरख्त जो है वो झाड़ियाँ बन गए हैं, कुछ वर्ष पहले शायद इनके पत्ते सारे गिर गए होंगे या नीचे नीचे फॉल में। अल्लाह का निजाम है जी, अल्लाह का निजाम है, ऐसे ही चलता है कि जब जो है वो पतझड़ का मौसम आता है तो ये सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और उसके बाद फिर बाहर का मौसम आता है तो सारे पत्ते दोबारा निकल आते हैं और ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है जी। कनाडा की खूबसूरत ये है कि यहाँ पे हर किस्म का मौसम आता है, चारों सीजन आते हैं यहाँ पे और हमें प्रॉपर दिखता है फॉल विंटर समर, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, आपको हर जो हर वेदर देखने को मिलता है समथिंग न्यू। तो यहाँ से हमारी ट्रेल स्टार्ट होती है, छोटा सा जो ये एरिया एक ब्रिज जैसा बना हुआ है पूरा बर्लिंगटन लेक शोर पे, तो आप लोग जब भी आओ यहाँ पे बर्लिंगटन लेक शोर डाल के आओ। हम लोगों ने मैंने बर्लिंगटन वाटर फ्रंट डाल दिया था जो कि गलत था, नहीं वाटर फ्रंट ट्रेल डाल दिया था ये सना, कभी ये चक्कर होता है मेरे भाई की तरह है बिल्कुल जो है ना, वो भी पहले जो है वो गलत GPS डाल के कहीं ले जाता है और उसके बाद फिर पता चलता है नहीं नहीं ये तो ये जगह नहीं थी, वो तो वो जगह नहीं थी। फिर मैंने बोला कि भाई लेक शोर डालो और लेक शोर पे चलते हैं, तो फिर हम सही जगह पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ज्यादातर फैसले सही करता हूं। 6 मिनट थोड़ी और ड्राइव थी यार, लेकिन एक तो जो हस्बैंड होते हैं उनके चक्कर होता है कि वो बहुत शक करते हैं और वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते और वो इस मामले में तो बिल्कुल भी, तुम अपनी बीवी पर भरोसा ना करना, पता नहीं कौन सा GPS डाल के कहाँ पे ले जाए। तो देखो यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है यू दैट ओन रिस्क, तो हम लोग जब हम जा रहे हैं ना अब हम यहाँ पे स्लिप भी हो सकते हैं अल्लाह ना करे। यहाँ पे हम लोगों को बूट पहने चाहिए थे, हमें पता नहीं थी ये बात। तो बात ये है कि उसमें हैजर्ड लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो पीछे, तो जो है वो बर्फ अभी तक साफ नहीं हुई है और हमने विंटर बूट पहने हुए नहीं है उस तरह के, क्योंकि हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि शायद बर्फ होगी तो आगे हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि दिस इज नॉट सेफ फॉर अस, कोई स्लिप हो गया किसी की, वैसे ही मेरी कमर में तो तकलीफ चल रही थी तो उसके बाद तो फिर तो और ही मुझेगी काम। और ये वाली इन्होंने वार्निंग दी हुई है, वेबसाइट पे भी लिखी हुई है, बट हम निकल चुके थे जब तक स्नो बूट के बिना, बट इट्स फाइन, मगर आप लोग आए तो आप लोग के ख्याल जरूर रखना। हाँ दी हुई है वार्निंग, इसमें लिखा हुआ है कि नो मेंटेनेंस, बट यस यार दैट्स डेफिनेटली देयर। कल को आप गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हो बैठ के कि ये कनाडा में तो मेरी कमर टूट गई और ये हो गया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिख के लगा। ये देखो इतने सारे यहाँ पे डक्स हैं, यहाँ पे डक्की भाई आपको शादी मुबारक हो और आपकी शादी हुई है, अभी सारे यूट्यूबर्स गए हुए थे उसमें, यहाँ हनीमून पे पहुंच गए होंगे। अच्छा यहाँ पे ना पीछे मैं देख रही हूँ आज बहुत कम लोग हैं, वैसे हमने समर की यहाँ की वीडियोस देखी है तो काफी हैपनिंग होता है समर, लोग बहुत सारे आए हुए होते हैं यहाँ पे, मेक सेंस विंटर में जाने कम ही रश होता है। हाँ जी क्या पढ़ रहे हो कनाडा के बारे में? कनाडा है दोस्त, यहाँ ओंटेरियो की कहानी क्या लिखी हुई है, हॉल्टन रीजन, ये भी हॉल्टन रीजन में आते हैं हमारे। सो ओकविल, बर्लिंगटन और मिल्टन, ये मतलब VVIP इलाके हैं यार, अगर तुम लोग यहाँ नहीं रहते तो मतलब बेकार है। लोगन पॉल, ये लोगन है और ये कार्टर है, अगर जब बर्लिंगटन आए तो अयान का नाम लोगन होगा और इसका नाम कार्टर होगा क्योंकि हैंडप्रिंट बिल्कुल सेम साइज के हैं। ओके आ जाओ जी आगे देखते हैं क्या है। लोगन पॉल भाई बिगेस्ट यूट्यूबर। बात ये है कि खूबसूरत मौसम है, ठंडक बहुत ठीक ठाक हो रही है, -4-5 आई थिंक हो रहा है इस वक्त, मगर ये कि धूप के अंदर मतलब सूरज निकला हुआ है तो आप इजीली कोप कर पाते हैं बगैर ग्लव्स के भी, ये चीज हमने देख ली। मतलब मैं नॉर्मल जैकेट पहना हूँ जो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया था, वहां भी पहना करता था, यहाँ पे इसके अंदर अच्छा गुजारा हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। क्या जबरदस्त बात है, क्या मतलब मजा आ गया, मजा आया। और बात ये है कि ये बर्लिंगटन हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, आई थिंक 20-25 मिनट की ड्राइव होगी। अनसुपरवाइज बीच एंड वाटर फ्रंट, नो लाइफ गार्ड्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी कॉल 911, तो हर चीज लिख के लगाई हुई होती है। बीच क्लोज फॉर द सीजन, मतलब उसके बावजूद भी आप जो है वो अगर जाके रिस्क लो और बेकार दो नंबरी की हरकतें करो तो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों भाई, खतरों के खिलाड़ी तो करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते भाई, हम तो भाई डक्की भाई से मिलने आए थे, हम लोग करीब तो पहुंच गए मगर अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं मिला पाएंगे। एंड प्लीज डोंट फीड द एनिमल्स, कितनी मोटी मोटी चेने हैं, कितनी मोटी मोटी चेने यार, हिला सकती है इनको? हाँ हाँ क्यों नहीं हिला सकते, तोड़ के दिखाओ तो माने ना फिर। हाँ दूंगा, जाओ तोड़ के दिखाओ, अभी दूंगा, तोड़ो लाओ, $10,000 लोगे लो। हाँ नहीं मैं नहीं तोड़ सकता, मैं छोड़िया नहीं मारता तुम्हारी तरह। वो देखो सामने जो है ना हैमिल्टन का जो है वो भी नजर आता है ब्रिज। अच्छी
वॉकिंग ट्रेल है, यहाँ पे थोड़ी बेंचेस वगैरह भी रखी हुई है, अगर बैठना हो, थोड़ा रेस्ट करना हो, कुछ खाना पीना हो। इवन वो देखो कवर्ड एरिया भी बना हुआ है, आई थिंक यहाँ पे लोग आके आराम से एंजॉय करते होंगे, समर में तो खूब एक्टिविटी होती होगी यहाँ पे। आओ भाई हम लोग सल्यूट करते हैं। ये ऊपर किसका झंडा लगा हुआ है भाई, कॉमनवेल्थ के झंडे हैं क्या? कुछ समझ में आया या बस पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हम लोग ज्यादा ज्ञान बांटते तो है नहीं, क्योंकि हमें खुद भी कुछ नहीं पता। ओल्ड सेलर की बात हो रही है भाई, क्रॉसिंग क्रॉसिंग द बार। ये बता रहे हैं कि ये आए थे पहले इसमें किश्ती में सवार होके पाकिस्तान से, और फिर इन्होंने जो है वो आहिस्ता 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 कनाडा को बनाना शुरू किया। कंट्रोल। और कुछ लोग इंडिया से भी आए थे, कुछ लोग बांग्लादेशी भी आए, और वो होते होते मतलब कनाडा बन गया। अच्छा, और ये पाकिस्तानी जो पीछे खड़ा हुआ है आपके स्टेज, सलूट सलूट करो, सलूट करो इनको भाई। यार तुम भी सलूट करो इनको, चलो सलूट कर लगे। तो भाई जितनी लंत रानी अशर ने की है ये एक मजाक था, मगर सीरियसली हम लोग मतलब दिल पे मत लेना, ज्यादा दिल पे मत लेना। कुछ लोग क्योंकि दिल पे ले जाते हैं, और दिल पे लेके जो है वो मतलब आपको हार्ट अटैक ही होगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो भाई सलूट इसलिए किया कि हम थोड़ा इंजॉयमेंट कर रहे हैं भाई। वैसे नहीं तो लोग बोलते हैं अभी 3 महीने हुए इनको कनाडा आए हुए और रंग बदल दिए इन्होंने, तो हाँ भाई रंग भी बदलने पड़ते हैं कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कनाडा के रंग में रंगते जा रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। देखो कनाडा की एबोरिजिनल मिल गई, नाइस पेंटिंग। अच्छा ने इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया। बहुत ही वाकई जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे आके, एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, कुछ डिफरेंट देखने को मिला, पानी देखने को मिला। और ये वो ट्रिप हमारा ना मुझे लगता है हमें एडिलेड की याद आ रहा है, हम लोगों ने एडिलेड में एक पियर को विजिट किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे ग्लेन लॉ, हाँ आई थिंक, तो काफी अच्छा वो भी हमारा ट्रिप रहा। यहाँ पे आके थोड़ा हमें ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग आ रही है। किंग पे भी इन लोगों ने बाकायदा पूरे निशान लगाए हुए हैं, हमारा ये वाला जाने का है, वापसी का वो वाला रास्ता है। प्ले एरिया मिला है बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे, काफी रश भी है, काफी सारे लोग हैं, तो यहाँ थोड़ा आते हैं, हमें थोड़ा रश वाली जगह पसंद होती है जहाँ पे लोग मजा आते हैं। देखो हम जहाँ पे जा रहे हैं आइस स्केटिंग चल रही है, तो बच्चों को आइस स्केटिंग करनी आती है, जो ट्रेन्ड है दे कैन डू इट, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कैनेडियन लाइफ। मतलब आइस स्केटिंग जो है वो यहाँ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं। आइस स्केटिंग वाकई में फन है, और मतलब एक अलग ही स्पोर्ट है, नॉट दैट इजी। एक पतली सी जो है वो होती है बिल्कुल नीचे लाइन जूते के, हाँ वो पकड़ के भी कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो इस तरह पकड़ के कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। हाँ ऐसे साइकिल चलाते हैं, ऐसी ये आइस स्केटिंग वगैरह भी जो है वो बैलेंस का ही कमाल है बिल्कुल। ये मैंने आइस स्केटिंग थोड़ी डिफरेंट है, साइकिलिंग एक बहुत अलग चीज है, इतना मुश्किल नहीं है ये, तो मतलब आपको बैलेंस करना है बॉडी के ऊपर, और अगर गिर गए तो मतलब फिर चोटे ठीक ठाक लग सकती है। गिर गया बच्चा बेचारा हो जाता है, छोटा सा बच्चा है, सेफ के भी छोटा बच्चा है वो भाई। मुझे तो व्हील वाले स्केट करने आते हैं, मैंने बचपन में चलाए व्हील वाले स्केट्स अपने अम्मी अब्बू के अपार्टमेंट में, वीडियो नीचे करते थे। नहीं नहीं नहीं, वीडियो तो नहीं करते थे हम लोग, बस व्हील वाले करते थे, लेकिन आइस स्केटिंग तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। हाँ ये बात है, हर मुल्क की अपनी एक खूबसूरती होती है और अपना एक स्पोर्ट्स होता है, जैसे यहाँ पे एक स्नो की खूबसूरती है और एक स्पोर्ट्स है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी होता है कि वहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, और जो सर्फिंग होती है मतलब जो वाटर के ऊपर होती है पानी पे, वो एक अलग चीज होती है, वो एक अलग डेंजरस स्पोर्ट्स होता है, मगर स्पोर्ट्स होता है, एडवेंचर भी होता है। ये यहाँ का है, हम लोग मतलब ये मुश्किल बहुत मुश्किल काम है अगर हम देखें तो। हमारे पास स्पोर्ट है क्रिकेट, हम लोग गलियों में गलियों में घरों में छतों पर हर जगह क्रिकेट खेलते हैं। और मेरी नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। अब देखो अगर कुछ गली में कनाडा में क्रिकेट खेलते हुए देख ले तो क्या अजीब हालत हो जाएगी ना, तो हमारी अभी ये वाली हालत आईपीएल को देख के होती है। और हमने कराची में जो है वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो 12 बजे तक 2 बजे तक भी क्रिकेट खेली है गलियों के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ पे, ऐसे ही तभी तो बड़े बड़े नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट बनते हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि मूवी जो है ना वो काफी जम रहा है, आगे का प्लान आगे चल के ही बताएंगे कि क्या खाना पीना है, ये भी है जो भी है, वाटर फ्रंट होटल भी है, जो लोग आए यहाँ पे रह सकते हैं आके। देखो कितने खूबसूरत अपार्टमेंट है,
नहीं उसको जरूरत क्या है, यहाँ पे आओ बस, अपने जो है वो बैठो और निकल जाओ, आपको स्टे करने की जरूरत क्या है। तो करें मेरे लिए स्पेशल, तो आप कनाडा में, कनाडा है दोस्त, यहाँ पे लग्जरियस लाइफ भी जीनी जरूरी है, तो कुछ करवाओ ना यार। हल्का हल्का हाथ, हल्का हाथ, हल्का हाथ। आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया न्यू ईयर के बाद $50। हाँ तो $50 दे देंगे ना न्यू ईयर के बाद, अगले न्यू ईयर का खत्म है 2024 का।